प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मजबूत और बड़ा होता जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजेश गुप्ता की उपस्थिति में दिल्ली महिला कांग्रेस की महासचिव रही मानसी ठाकुर अरोरा एवं ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती सहित कई महिला कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा परिवार का सदस्यता ग्रहण की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भाजपा परिवार दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत और बड़ा होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजेश गुप्ता की उपस्थिति में प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री रही मानसी ठाकुर अरोड़ा एवं रिटायर्ड ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती सहित कई महिला कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा परिवार की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कन्नौज से भाजपा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा, प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना एवं आदित्य झा एवं जिला अध्यक्ष राजेश गोयल उपस्थित थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजेश गुप्ता ने मानसी ठाकुर अरोड़ा सहित उनके साथ आए सभी कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का भाजपा परिवार में अभिनंदन करते हुए कहा कि आज देश के हर एक नागरिक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है। भाजपा शुरू से ही महिलाओं को प्रोत्साहित करती रही है और नारी शक्ति हमारा मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस का तो अस्तित्व वैसे भी अब रहा नहीं और आपने तो महिलाओं का शारीरिक शोषण हो रहा है और अरविंद केजरीवाल से इसकी शिकायत करने पर कहते हैं कि समझौता कर लो। दोनों ही पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी ना नियत है और ना ही नेतृत्व। ऐसी स्थिति में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी का सम्मान करना जानती। मौके पर कविता चक्रवर्ती, दीपा अरोड़ा, अंकिता शर्मा, प्रीति आनंद सहित कई प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली, जनमत की पुकार न्यूज। बोले भारत माता की। आज बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, ऐसी बहन मानसी ठाकुर जी जो महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रही है और उनके साथ सैकड़ों लोगों ने आज जो आए हुए उनके साथ साथी मोदीनगर से वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती जी भी इस पार्टी में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के महामंत्री मेरे मित्र और कन्नौज के लोकप्रिय सांसद श्रीमान सुब्रत पाठक जी भी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों के साथ और मैं चाहूंगा कि आदित्य जी उनका अभिनंदन भी करें। आज जो हमारे बीच में है तो उत्तर प्रदेश के महामंत्री जी हैं, कन्नौज के जुझारू कर्मठ सांसद जी हैं, की जो सोच है वो इंक्लूजन की है, समावेश सोच है जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग जो आज तक कभी देश की मुख्यधारा में जिनको स्थान नहीं मिला उनको उन्होंने स्थान दिलाया है। वो चाहे ओबीसी वर्ग के लोग हों या फिर जैसी समाज के लोग हों या महिलाएं हों, युवा साथी हों या आदिवासी साथी हों, देश में नॉर्थ ईस्ट जो हमेशा से एक पिछड़ा जहां विकास की किरण नहीं पहुंची थी वहां तक विकास के नए आयाम स्थापित करने का काम मोदी सरकार ने किया है और कई एक बहुत बड़ा निर्णय भी लिया गया जिसमें पहली बार देश के अंदर मेडिकल के परीक्षाओं के अंदर एसटी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो तो मिलता ही है लेकिन इसके साथ साथ ओबीसी समाज को भी आरक्षण मिलेगा और आर्थिक आधार पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सवर्ण समाज के लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण देना जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार द्वारा लिया है। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद किसी पहली ऐसी सरकार है जिसने ये सोचा है कि समाज के हर वर्ग जब हर वर्ग मजबूत होगा उसको एजुकेशन होगी, उसको रोजगार मिलेगा, उनको सामाजिक रूप से भी मजबूती मिलेगी तो देश विकास के रास्ते पर चलेगा और इस समय कोरोना के
चुनौतियों का भी बड़ी बखूबी से मोदी सरकार ने एक अच्छा इंतजाम किया है, वो चाहे ऑक्सीजन की बात हो, वो चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या फिर कोविड से निपटने के लिए देश के अंदर पहली बार किसी सरकार ने कोई वैक्सीन का इंतजाम किया है जो 9 महीने के अंदर हो गया है। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।